नमस्कार साथियों, निष्ठा 2020-21 के ऑनलाइन सेवा रस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि इस प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति तक प्रतिभागी किन किन दक्षताओं या कौशलों को अर्जित कर सकेंगे। शिक्षक पर्यावरण अध्ययन के बारे में समझ विकसित कर उनके विभिन्न घटकों को समझा लेते हैं। शिक्षक पर्यावरण के विभिन्न अवयवों के बीच अंतःक्रिया को समझ उनके लाभ और दुष्परिणामों को समझा लेते हैं। शिक्षक पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर बच्चों में भी सकारात्मक सोच विकसित कर लेते हैं। शिक्षक पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बता लेते हैं। शिक्षक पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता विकसित कर लेते हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में हम जिन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है: पर्यावरण की समझ, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन के क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हम एक संक्षिप्त नजर डालते हैं कि पर्यावरण है क्या। जब हम ये सोचते हैं कि पर्यावरण है क्या, तो हमें केवल एक ही उत्तर मिलता है, हमारा परिवेश या वातावरण या हमारे आसपास जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आइए हम एक पार्क की तरफ चलते हैं। हम कल्पना करते हैं कि हम एक पार्क में बैठे हैं। जब आप पार्क में अपने चारों तरफ एक नजर डालते हैं, तो आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हम पार्क में जो कुछ भी देख या महसूस कर रहे हैं, उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले हमारी नजर जाती है पेड़ों पर, हरे घासों पर। पेड़ों के पीछे छुपकर नाचते हुए मोर पर, लकड़ी के बने कुर्सियों पर, झूलों पर, फूलों पर मंडराती तितलियों पर, पार्क में खेलते हुए बच्चे और लोगों पर, परिवार के साथ पिकनिक मनाते हुए लोगों पर, बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे हुए तमाम तरह के खिलौने गाड़ियों पर, साइकिल पर, सुदूर आकाश में मगन होकर उड़ते हुए पंछियों पर, खेलते दौड़ते और चढ़ते हुए हिरन पर, जो कुछ भी घटक हमारे आसपास या चारों तरफ है, ये सभी हमारे परिवेश का हिस्सा हैं या हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। हमारे पर्यावरण का एक रूप ये भी हो सकता है कि हम जिस पार्क में हैं, उसकी लोकेलिटी क्या है। ये हमारे देश भारत में स्थित है या वृहद संदर्भ में ये हमारे ग्रह पृथ्वी पे है। अगर परिवेश के इन सभी घटकों को दो बड़े समूहों में वर्गीकृत करें, तो हम आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यदि पार्क में देखे गए सभी वस्तुओं को हम सूचीबद्ध करें, तो हमारी बाईं तरफ जो वस्तुएं या घटक हैं, ये सभी जीवन चक्र को संपादित करती हैं, जैसे खाना, सांस लेना, उत्पादन क्षमता इत्यादि। अतः हम इन्हें जैविक या सजीव घटक कहते हैं।
जैसे बैठे या टहलते हुए लोग, खेलते हुए लोग, घास, पेड़ पौधे, तितलियां, चिड़ियां, जानवर इत्यादि। हमारे दाईं तरफ जो वस्तुएं सूचीबद्ध हैं, उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं है, अतः हम इन्हें अजैविक या निर्जीव घटक कहते हैं, जैसे भूमि, खेल का मैदान, वायु, बेंच, झूले, टोकरी, साइकिल, स्लाइडर, गाड़ियां इत्यादि। ये सभी हमारे परिवेश, वातावरण या पर्यावरण के घटक हैं। अगर हम पर्यावरण को परिभाषित करें, तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है, जो किसी जीवधारी या पारितंत्री आबादी को प्रभावित करते हैं। या संक्षेप में, हमारा परिवेश या हमारे चारों तरफ का वातावरण जो हमें प्रभावित करता है, वो पर्यावरण है। इन सभी घटकों के विवरण के निष्कर्ष उपरांत हम ये जानेंगे कि पर्यावरणीय अध्ययन है क्या। हमारा पर्यावरण या परिवेश जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बने होते हैं, जो आपस में सदैव अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। हमारे पर्यावरण के घटकों के अंतःक्रियाओं एवं इनके पारस्परिक प्रभाव के अध्ययन को ही पर्यावरणीय अध्ययन कहते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के विषय में सीखने का अर्थ है कि हम ये समझे कि प्रकृति कैसे कार्य करती है, हमारे पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच अंतःक्रिया कैसे होती है और विभिन्न घटक अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन कोई विषय नहीं, अपितु एक दृष्टिकोण है। एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम को प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है, जहां इसे कक्षा 3 से 5 तक अलग पाठ्यक्रम क्षेत्र और कक्षा 1 और 2 में संबंधित चिंताओं को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया गया है। प्रारंभिक कक्षाओं में स्वयं, घर परिवार, स्कूल के साथ शुरुआत करना और धीरे धीरे व्यापक वातावरण, पास पड़ोस और समुदाय से वैश्विक परिदृश्य पर आगे बढ़ना समाहित है। पर्यावरणीय अध्ययन बच्चों को उनकी दुनिया को समग्र रूप से देखने में मदद करता है। पर्यावरण के विभिन्न पक्षों जैसे प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को पर्यावरणीय अध्ययन में समाहित किया गया है। प्राथमिक चरण ज्ञान का आधार होने के कारण इन मूल चिंताओं के साथ पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम के स्वरूप और कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है। पर्यावरणीय अध्ययन बच्चों को यह सिखाने में मदद करता है कि वे वास्तविक दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण स्वयं कर अपने दक्षताओं और कौशलों को इस प्रकार विकसित करें कि अपने मूल्यों को स्थापित करते हुए समानता और न्याय को समाज में स्थापित करने में स्वयं और दूसरों की मदद कर संपूर्ण मानवता के प्रति आदर भाव को समाहित करते हुए एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक बन सके। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया गया है। पहला, पर्यावरण के बारे में सीखना, दूसरा, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और तीसरा, पर्यावरण के लिए सीखना। पर्यावरण अध्ययन का विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर
इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय वस्तु की व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहरी अपरिचित दुनिया की तरफ चलती है। पर्यावरणीय अध्ययन के क्षेत्र कुछ इस प्रकार हो सकते हैं: जैव विविधता की समझ एवं संरक्षण, सतत विकास का प्रतिस्थापन, पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, पारिस्थितिकी, सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। जैव विविधता की समझ एवं संरक्षण। जैव विविधता जीव के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है, जो प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच एवं उनकी पारितंत्रों की विविधता को समाहित करती है। जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और इसके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः हम इसके अंतर्गत छात्रों को जैव विविधता के प्रकारों एवं महत्व के बारे में बताते हैं, ताकि उनमें इसकी समझ उत्पन्न हो सके और वह इसके संरक्षण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे। भोजन, कपड़ा, मकान, औषधि की आवश्यकता की पूर्ति जैव विविधता के कारण ही होती है। मृदा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करके इनमें आने वाली कठिनाइयों से निजात और संरक्षण बच्चों को हम सिखा सकते हैं। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की अवधारणा का मूल संप्रत्यय इस कहावत से पूर्णतः परिलक्षित होता है, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों या संपदा के संरक्षण एवं सुरक्षा का अध्ययन करते हैं। परिवहन, जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण। इसके अंतर्गत हम उन उपायों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा पर्यावरण में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के मात्रा को नियंत्रित करके प्रदूषण नियंत्रण किया जा सके, ताकि वायु प्रदूषण, ओजोन परत क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मानव जनित संवेदनशील पर्यावरणीय समस्याओं का कारण और निवारण किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या का पर्यावरण पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत हम जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न प्राकृतिक संपदा जैसे वन, जल, खनिज इत्यादि के पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मानव पारिस्थितिकी का सबसे शक्तिशाली घटक है और वह प्रकृति का भरपूर दोहन कर रहा है। मनुष्य के बेतहाशा विकास के लोभ ने प्रकृति निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बच्चों में इसके माध्यम से वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि समस्याओं के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास। इसके अंतर्गत सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास, मूल्यों और प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन रक्षा, परस्पर प्रेम, स्वयं और दूसरों की देखभाल, सामाजिक दायित्व, सामुदायिक सहयोग और सहभागिता, संस्कृति के महत्व का अध्ययन किया जाता है, ताकि भविष्य के लिए एक योग्य, जिम्मेदार और उत्तम नागरिक तैयार किया जा सके।
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोककर उनका संरक्षण करके उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी किया जा सकता है एवं अपने वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकती है। वन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनदायी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जिस तरह से दिन प्रतिदिन वनों के कटाई की दर बढ़ रही है उसका दुष्परिणाम दीर्घकालिक और अत्यंत भयावह होगा। पर्यावरण अध्ययन के इस क्षेत्र के माध्यम से हम बच्चों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर इनके संरक्षण हेतु जागरूक कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता बचाव के उपायों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवांछित अकस्मात होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, वनों में आग लगना, चक्रवात इत्यादि का प्रबंधन हेतु जागरूक किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन विभिन्न विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कला शिक्षा या अर्थशास्त्र जैसे विषयों का एक समेकित और संपूर्ण अध्ययन है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन बच्चों और पर्यावरण के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करता है। विषय रूप में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण बच्चों को यह महसूस करने में सक्षम बनाएगा कि उनके निर्णय और कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं या उनके आसपास की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल व समझ निर्माण करने में मदद करेगा। इससे बच्चे पर्यावरण के पैरोकार, प्रबंधक और संरक्षक बन सकेंगे। अंततः एक स्थायी भविष्य के निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनेंगे। इस प्रशिक्षण सत्र में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।